We have seen a lot of finance professionals who are into corporate jobs and they are earning a salary of let's say 15 lakhs per annum in the start. कुछ कुछ लोग 30 लाख रुपए कमा रहे, कुछ कुछ लोग जो private equity VC में वो लोग 50 लाख रुपए कमा रहे। बहुत सारे लोग finance jobs कर रहे हैं and बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं, but there is no work-life balance after a point in time and they have no particular freedom if they want to go somewhere after a point in time, etc. In this video, I'm going to share certain finance freelancing opportunities which you can also pursue actively, which will get you very good freelancing source of income and this is something which you can also pursue sideways even after doing a full-time job. ऐसा नहीं कि आपको job छोड़ना पड़ेगा ये करने के लिए, but you can do it as a side hustle also. So make sure to watch this video till the end and subscribe to my channel right now. Number one is freelance bookkeeping. Bookkeeping will sound monotonous or boring, but at the end of the day, it can give you a good source of income as well. Bookkeeping मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे startups ना, including my own startup, हम लोग ना books of accounts maintain नहीं करते। क्या होता है कि उसके लिए एक finance पूरा proper staff hire करना पड़ता है and उसके लिए एक proper accountant की जरूरत होती है। अभी startups को starting में पैसे नहीं होते उनके पास, so therefore what they do is that they just maintain an Excel sheet or they just maintain something bank statement जैसा कुछ, जहाँ पर उनको पता है कि expenses क्या है और income क्या है। There is no structured way of doing a proper bookkeeping in let's say Tally or Zoho or any of the softwares which are there. But what my suggestion here is that you can approach a lot of these startups. Unke paas full-time resource karne ke paise itne hai nahi. Tum log freelancing mein kar sakte ho. And freelancing mein you can charge anywhere between 10,000 to 15,000 per month depending on ki kitne journal entries hone wale, kitne transactions hote, kitne invoices issue karne and all. And you can make good amount of money on a side way as well. And isme kya full-time job nahi hai. Isme aapko bas day end mein sirf janna hota hai ki okay invoices kitne issue kiya to invoices kitne mile and uska aapko data entry karke dena hota hai. Agar aapko Tally aata hai ya Zoho aata hai, तो आप ऑन एन एवरेज 10 से 15,000 पर मंथ इजीली चार्ज कर सकते हो। फुल टाइम रिसोर्स अगर कोई स्टार्टअप हायर करने जाए तो उसको 40-50,000 पर मंथ देना पड़ेगा फॉर अ बेसिक अकाउंटेंट आल्सो हु हैज डन अ बीकॉम और लेट्स से फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो हु हैज जस्ट क्लियर देयर सीए एग्जाम्स। सो मेरे हिसाब से क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को बुककीपिंग करने की जरूरत होती है, उनको अप्रोच करो एंड उनको चार्ज कर सकते हो इन ऑर्डर टू जस्ट मेक श्योर कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या कि जर्नल एंट्री बराबर हो रही है, लेजर बराबर मेंटेन हो रहे हैं, बैलेंस शीट बन रहा है हर साल के एंड में, पीएनएल एवरी मंथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चेक करना, ओके कितना प्रॉफिट हुआ ये मंथ में, कितना लॉस हुआ है, कौन से खर्चे कितने बड़े एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब अगर आप करके दोगे ना तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको 15 से 20,000 आराम से दे देंगे पर मंथ। इसमें पता है और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं बाय द वे, तो इसमें क्या टैक्सेस वगैरह भी आ जाएगा। अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, अगर आपको टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो टैक्स ऑडिट करना है कंपनी का, वो भी आप कर सकते हो। बट अगेन दिस विल जस्ट हैपन वंस इन वन ईयर, बट जीएसटी रिटर्न्स और टीडीएस रिटर्न्स आपको मंथली भी करने का मौका मिल सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या एक्सपर्टीज है, आप स्टार्टअप के पास जाओ और आप पिच करो आपके सर्विसेज। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ओके मैं स्टार्टअप को ढूंढू कैसे, मैं अप्रोच कैसे करूँ। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जस्ट टाइप करो कि वर्चुअल सीएफओ जो होते हैं ना वो टाइप करो एंड बहुत सारे वर्चुअल सीएफओज होते हैं बहुत सारे स्टार्टअप में, उनको इनकी जरूरत होती है। वर्चुअल सीएफओ का काम क्या होता है? वर्चुअल सीएफओ मतलब क्या, ये सीएफओज बहुत अलग अलग स्टार्टअप में 5-6 स्टार्टअप में ये सीएफओ है एंड इनका काम ही बेसिकली ये कि पूरा चेक करना कि फाइनेंसिस ऑफ द कंपनी आर गोइंग वेल एंड ये 5-6 स्टार्टअप के साथ काम करते, इसलिए इनको वर्चुअल सीएफओ बोला जाता है। ये एक्चुअल ऑफिस में आके काम नहीं करते, ये घर पे बैठे बैठे करके काम कर लेते, तो इनको वर्चुअल सीएफओ बोला जाता है। तो आप इन लोगों को ढूंढो, इनको रीच आउट करो, इनके नेटवर्क में जो भी स्टार्टअप्स हो गए इनसे बात करो, ये बहुत सारे स्टार्टअप्स के बोर्ड पे भी हो गए, बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो गए, इनसे कनेक्ट रखो एंड इनको बोलो कि आपको भी ये सब करना है। यू कैन ऑल्सो बिकम अ वर्चुअल सीएफओ और अ फ्रैक्शनल सीएफओ आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। ये हो गया फर्स्ट साइड हसल व्हिच इज बुककीपिंग। द सेकंड साइड हसल इज कंटेंट क्रिएशन। इन माय ओपिनियन कंटेंट क्रिएशन अगर आप फाइनेंस में करते हो तो बहुत नीच है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मैं आपको सच बताता हूं, बहुत सारे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स आजकल राइज हो रहे हैं, राइट। बट इसमें ना एक अगर मैं आपको हैक बताऊं, तो आप अगर ऐसे रील्स या तो ऐसे कंटेंट बनाओगे जिससे लोगों को पैसा बचाने का मौका मिलेगा या पैसा कमाने का मौका मिलेगा, तो आप वायरल हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो 3-3, 4-4 महीने में भी 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स क्रॉस कर लेते जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट कि जीएसटी कैसे सेव करना है, कैसे इस पर इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, कैसे इस पे कितना पैसा बचा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट है एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आपको इस पे बहुत अच्छा नॉलेज होगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, लिटिगेशन, असेसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा होल्ड होगा एंड आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम के यूजर्स हैव क्रॉस्ड मोर देन 500 मिलियन इन इंडिया, व्हिच इज 50 करोड़ से ज्यादा, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर। इवन फॉर यूट्यूब इट्स अराउंड 48 करोड़, व्हिच इज 480 मिलियन। ये बहुत बढ़ने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। आपको पता है यूट्यूब जो है उसके नंबर वन यूजर्स इंडिया में, सबसे ज्यादा यूजर्स यूट्यूब के अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन इंडिया, व्हिच इज 480 मिलियन, व्हिच इज 48 करोड़। ऑफ कोर्स इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, बट यूट्यूब के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन तो राइज हो गई, इन माय ओपिनियन क्रिएटर माइट डाई, मतलब क्या कि क्रिएटर जो है उसका एंगेजमेंट मर सकता है, बट क्रिएटर इकोनॉमी इज नेवर गोइंग टू डाई। हर 2-3 साल में एक नया क्रिएटर आएगा और उनका एकदम नाम बना रहेगा फाइनेंस इकोसिस्टम में। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। आई विल टेल यू द यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन में अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 1 लाख रुपीज फॉर एन इंस्टाग्राम रील। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, अगर आपको 50,000 व्यूज मिलते हैं ऑन एन एवरेज, तो आप वापस 1 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो ब्रांड्स को। ये ₹2 पर व्यू के आसपास होता है, इंस्टाग्राम पे ₹1 पर व्यू के आसपास होता है, लिंक्डइन पे ₹0.5 पर व्यू के आसपास होता है। ये जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके इतने रेट्स नहीं होते, उनके इसके हाफ कर लो या तो 60-70% कर लो। बिकॉज क्या है कि फैशन एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा इंडिया में। फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स आपको गिने चुने मिलेंगे, ऑल्दो अभी बढ़ रहे, बट बहुत नीश है और बहुत कम लोग हैं। एंड फिनटेक एडटेक ब्रांड्स बहुत ज्यादा है जो पैसा स्प्लर्स करने के लिए तैयार है एंड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई दीस पीपल आर
making good amount of money. So if you want to become a finance content creator, you can also pursue that particular option as well. Number three is teaching, which is conducting courses. अगर आपको कोई भी finance में niche है तो एकदम expertise है ना, आप उस पर course ले सकते हो. For example, अगर आपको stock markets का बहुत अच्छा knowledge है, you can launch a course on teaching stock markets. अगर आपको trading का बहुत अच्छा knowledge, अगर आपको technical analysis बहुत अच्छे से आता है कि okay, RSI क्या होता है, relative strength index, candlestick patterns क्या होते हैं and all of that, तो charts कैसे पढ़ने हैं and all, आप वो भी सिखा सकते हो. मैं बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये knowledge चाहिए होता है and they need someone like you who can teach them all the basic concepts as well. Financial literacy बहुत बहुत कम है. Only 3% of the Indian people are investing in stock markets. मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि only 27% of the people are financially literate as well. अगर अपने को 27% को 100% पे लेके जाना है, so we need people like you who can create content as well on finance and who can also take and teach courses on financial literacy, which is what we are also launching at Kegar, by the way. Financial literacy for kids and financial literacy for even university students is something which is of utmost importance in my opinion. अगर आप इस पे courses ले सकते हो कि taxes कैसे बचाने हैं, savings कैसे करनी है, investments कितने करने हैं, okay, अगर salary आपकी 1,00,000 rupees की, तो आपको कितना save करना है, कितना invest करना है, कितना spend करना है, emergency fund में कितना पैसा डालना है, mutual funds में कैसे पैसे डालने हैं, कौन सा mutual fund select करना है, ये सब का knowledge आपको किधर नहीं सिखाया जाता है. अगर आप ये सब सिखा पाओगे लोगों को, तो आपके पास बहुत सारे लोग all of a sudden आ जाएंगे and you can start charging after a point in time as well. बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वो स्टॉक टिप्स भी देते हैं एंड उसमें वो सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर दिया उन्होंने, तो ट्रेडिंग के स्टॉक टिप्स देते हैं, वो बोलते हैं कि ये स्टॉक ले लो, स्टॉप लॉस लगा लो एंड इसका टारगेट ये है, 5,000 rupees per month या 10,000 rupees per month दे देते हैं एंड देन बोलते हैं कि आप इससे जो करना है करो, आपको ये सब टिप्स मिल जाएगी एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है. इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दे कैन नॉट डू इट लीगली, बट बहुत सारे लोग ये भी करते हैं. तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी जा सकते हो, बट दैट इज अगेन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फुल टाइम जॉब इटसेल्फ, इट्स नॉट अ साइड हसल. बट पहले यू कैन जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग योरसेल्फ योर ओन मनी एंड इफ यू आर वेरी गुड एट दैट एंड यू कैन जस्ट टेल रिटर्न्स टू अदर पीपल एंड देन यू कैन रेज कैपिटल आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू एज अ साइड हसल. इसमें पता है क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स है जो लोग कोर्सेज लॉन्च करते हैं एंड इनका क्या होता है कि नीच ऑडियंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट आई नो वन पर्सन हु हैड ओनली 20,000 फॉलोअर्स, सोल्ड अ कोर्स फॉर ₹300 अबाउट फ्रीलांसिंग एंड ऑलमोस्ट 800 पीपल बॉट दैट कोर्स. तो 800 × 300 कितना हो गया, 2.4 lakh rupees. तो मान के चलो 2.5 lakh rupees उसने कमाए इन जस्ट वन मंथ एंड दिस इज जस्ट विद 3 to 4 hours ऑफ वर्क पर वीक. मतलब 20,000 फॉलोअर्स पे भी ₹300 का प्रोडक्ट बेचा, 800 लोगों ने खरीदा एंड दैट गाय मेड 2.5 lakh rupees इन जस्ट वन मंथ इटसेल्फ. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक नीश बना लो, आपका एक्सपर्टीज क्या है वो बना लो एंड देन स्टार्ट टीचिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ. दिस इज समथिंग विच विल रियली हेल्प अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल मी, right? So I'm also going to teach on the creator economy. I'm also going to teach on LinkedIn branding and all, because I think I've studied that entire thing from scratch and I think I can teach a lot on that topic itself. So that is something which is very, very crucial. So these are some side hustles which you can pursue. And the last one, which I forgot to mention, is basically the ghostwriting part on finance. So बहुत सारे founders होते हैं जिनको finance के ऊपर बहुत सारे topics लिखने की इच्छा होती है. बहुत सारे brands होते हैं जिनको finance के ऊपर बहुत सारा content लिखना होता है. आप जितने भी fintech companies देख लो, stock market related, Angel One, Zerodha, या तो Grow, या तो Upstox, या तो even edtech companies for that matter, इनको एक blog section रखना पड़ता है and वहाँ पर बहुत content की जरूरत होती है. इनफैक्ट इनके लिंक्डइन हैंडल पे भी बहुत कंटेंट की जरूरत होती है. बहुत सारे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको फाइनेंस कंटेंट की रिसर्च के लिए हेल्प चाहिए होती है. तो आई थिंक एक घोस्ट राइटिंग का भी एक ऑल ऑफ अ सडन एक नया वर्टिकल खुल गया. अगर आप बहुत सारे फाउंडर्स को या ब्रांड्स को कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकते हो, आप अच्छा चार्ज कर सकते हो इसमें भी. सो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कंटेंट राइटर एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू पे 50,000 to 1 lakh rupees per month ऑल्सो अगर आप उनको महीने में 16 पोस्ट लिख के दे रहे हो लिंक्डइन पे. दिस अगेन ऑन द अजम्पशन दैट आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड आपका रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू बिकम अ वेरी गुड फाइनेंस कंटेंट researcher and writer as well. So these are some side hustles which you can pursue in the finance segment. I think this video was more for you to understand ki aap finance mein kya kya side hustles kar sakte ho and kaise reach out kar sakte ho logo ko. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.